हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। आज वीडियो में हम लाइव देखेंगे कि हम किस तरह से सिडबी का जो लोन है वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपनी पहले वीडियो में शेयर किया था कि हमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करता है। आई थिंक आप सभी ने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट अपनी लॉगिन आईडी की डिटेल्स डालकर आपके साथ ये चीज़ें आपको वेरीफाई कराऊंगा कि लोन्स में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अंदर उसमें क्या क्या फील्ड्स एनेबल किए गए हैं, कितने स्टेप्स हैं, सभी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं सीए पुनीत जैन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पूरा कंप्लीट लोन प्रोसेस, वो भी लाइव। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में स्पेशली हम कवर करेंगे कंप्लीट प्रोसेस। कंप्लीट मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई भी फिर भी कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट विंडो कुछ इस तरह से ओपन होगी। इस विंडो में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एप्लीकेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपने फर्म नेम से जो भी अपनी आईडी बनाई है वो यहाँ पर डिटेल में शो करेगी। उसके बाद ये ना जो भी नाम आपने अप्लाई करते हुए अप्लाई जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उसी टाइम पर जो फर्म नेम डाला था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंस्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है, आप इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, पार्टनरशिप हैं, LLP हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट है। सिडबी के द्वारा इन सभी एंटिटीज़ को लोन प्रोवाइड किया जाता है। एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने दोबारा से मैं दोहराना चाहता हूँ। ये जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए थे, सेफ प्लस फॉर कोरोना, COVID-19, लोन अप टू 50 लाख, लोन अप टू 50 to 100 और लोन अबव 100 लाख। तो आपको स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कोरोना से रिलेटेड जो लोन है सिडबी के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है सेफ एंड सेफ प्लस, वो कोरोना से रिलेटेड एसेंशियल्स आइटम्स के रिगार्डिंग या फिर जो भी उसमें इक्विपमेंट या फिर एसेसरीज यूज हो रही है COVID-19 के लिए, केवल उसी पर्पज़ के लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी को कवर किया गया है। उसके अलावा ये जो लोन की फैसिलिटीज़ सिडबी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है जिसके लिए हम अपना ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ये केवल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस को ही कवर करता है। इट मीन्स इसके थ्रू ट्रेडर्स की भी फैसिलिटी एनेबल नहीं है, अभी तक भी पोर्टल पर एनेबल नहीं है। उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट MSME के जो पोर्टल है इसके थ्रू ग्रेवेंस और फीडबैक जरूर दिए ताकि इसमें ट्रेडर्स को भी इंक्लूड किया जाए। अदरवाइज़ गवर्नमेंट का पर्पज़ ये है कि जो भी जॉब्स जनरेटेड हैं या फिर जो GDP जनरेटेड जो भी यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस से रिलेटेड, उनको ये MSME में कवर किया गया है, उन्हीं के लिए लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो भी नॉर्मल अदर स्कीम्स हैं वो अलग से वीडियो में मैंने पहले से भी डिस्कस किया हुआ है और आने वाली वीडियो में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड एड्रेस देना है अपना, जो भी आपकी फैक्ट्री का एग्जिस्टिंग एड्रेस है वो रेंटेड है लीज है ओन है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। जो प्रपोज्ड एड्रेस है वो भी आप तीनों में से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर करेक्ट डालिएगा, बैंक सिडबी के थ्रू जो भी ऑफिसर्स हैं वो आपको इसी मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, ईमेल आईडी पर आपकी मेल आएगी, सभी कम्युनिकेशन ऑनलाइन ही होगा। तो यहाँ पर आप अपना एक्टिवेट मोबाइल नंबर ही डालें। उसके अलावा आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है वो आप अपने अदर रजिस्ट्रेशन में भी देख कर डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास कोई भी इसी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग उसमें से भी आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो प्रोजेक्ट्स के लिए हैं उनकी क्या डेट ऑफ कमेंसमेंट रहने वाली है, अगर आपके पास कोई भी MSME का रजिस्ट्रेशन है उसको उद्योग आधार UAM नंबर बोलते हैं, MSME रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं, वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए आपको डालना है उसकी क्या रजिस्ट्रेशन डेट थी वो भी आपको मेंशन करनी है, अदरवाइज ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके अलावा फिर आपको यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि जहाँ से आपको लोन रिक्वायर्ड है। देखिए अभी इसमें हम सेलेक्ट चेक करते हैं तो इसमें ये सिटीज़ कवर्ड की गई हैं, आप देखिए कि आप इनमें से किस में किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप किस नियर बाई सिटीज़ कौन सी हैं। इसमें कंप्लीट इंडिया की डिटेल्स दी गई हैं जहाँ पर भी सिडबी की ब्रांचेज हैं जो भी इसमें है, धीरे धीरे करके ये भी अपडेट होता जाता है, डेली बेसिस में इसको चेक करता हूँ, ये भी जो इसमें डिटेल्स दी जा रही है वो भी अपडेट होती रहती है, तो टाइम टू टाइम आप इसको चेक करते हैं। हो सकता है आपकी सिटी इसमें
आज नहीं तो कल ऐड कर दी जाएगी, ऑलरेडी ऐड हो चुकी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ देनी है, आपकी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी क्या है और प्रपोज एक्टिविटी क्या है। इसके बाद आपको सेव ज़रूर करना है, वरना आपका डाटा जो है वो सेव नहीं होगा। फिर इसके बाद ये स्टेप वन है। स्टेप टू में हम जाएंगे तो यहाँ पे सेक्शन वन में प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर आपको इन लेग में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इसमें अगर आपके पास कोई चीज़ें नहीं है, मींस आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट में अगर इनमें से जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं 1 to 9, अगर इनमें से आपको कोई पॉइंट कवरेज नहीं रखना है तो आप इसको 0 ही रहने दीजिए। बाकी अदर जो भी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, जो भी आपने असेसमेंट किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। अब ये बात करता है मीन्स ऑफ फाइनेंस की। मीन्स ऑफ फाइनेंस में से ये बात कर रहा है कि आपने ऑलरेडी जो अमाउंट रेज की हुई है, इट मीन्स आपने ऑलरेडी जो अमाउंट रेज की हुई है वो आपको यहाँ पर डालनी है, वो भी लैक में डालनी है। सारी फिगर्स यहाँ पे लैक में जाएगी। उसके अलावा जो आप अभी प्रपोज मीन्स जो आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद ये टोटल का फील्ड ऑटोमेटिक है, ये आपको टोटल वैल्यू कलेक्ट करके देगा। आपको इसमें सेव करना है, सेव करते जाना है। किसी भी स्टेप को अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो फिर डिटेल्स आपकी सेव नहीं होगी, आपको दोबारा से वो सारी डिटेल्स डालनी होंगी। सेक्शन टू है। सेक्शन टू में देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका कमर्शियल प्रोडक्शन है, डेट ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कि जो वो है प्रोजेक्ट वो कब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर डालनी है। उसके अलावा जो आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी जो प्रपोज्ड है वो मतलब किस टर्म में चाहिए, मतलब रुपी टर्म लोन में चाहिए, फॉरेन करेंसी में, वर्किंग कैपिटल फंड बेस्ड कैश क्रेडिट या वर्किंग कैपिटल नॉन बेस्ड LC और लेटर ऑफ क्रेडिट या BG बैंक गारंटी, इसको भी आपको सेव करते जाना है। अगर इनमें से आपका कोई फील्ड एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको केवल टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप टर्म लोन में ही फिगर डालें, बाकी अदर फील्ड्स आप 0 ही रहने दें। पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 3 में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर बात करता है कि आपकी जो सिक्योरिटी की डिटेल्स है, प्राइमरी ऑब्लिक कोलेटरल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग शेयर कैश कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ पर जो भी आपकी पास इनमें से जो भी अवेलेबल है, आप उसकी मार्केट वैल्यू, आपका क्या रिलेशन है, सब चीज़ें यहाँ पर फील्ड अलग अलग बताई गई हैं। अगर उस पर कोई एग्जिस्टिंग चार्ज चल रहा है वो बताना है आपको, या फिर अगर कोई मतलब कोई इसमें चेंज हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर डालना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एनेबल की गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है पर्सनल ऑब्लिक कॉर्पोरेट गारंटी, प्रोप्राइटर की केस में प्रोप्राइटर की, पार्टनर के केस में पार्टनर की, और डायरेक्टर के केस में जो प्रमोटर है कंपनी के केस में, उनकी यहाँ पे गारंटी डालनी है आपको। ये आप केवल उस केस में डालें कि जब आपके ऊपर ये फील्ड अप्लाई होता हो, अदरवाइज आप इन डिटेल्स को ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन चीज़ों को डालने की। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, CGT MSME स्कीम, अगर आप इसमें कवर्ड होते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं होते हैं तो अदरवाइज नो कीजिए। यहाँ पर नीचे हर पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पर्सनल गारंटी की डिटेल्स है 1-1 में आपको देनी है। लेटेस्ट जो भी ऑडिटेड बैलेंस है आपकी, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यदि कॉरपोरेट गारंटी का रिगार्डिंग है, कंपनी का रिगार्डिंग, वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। सेक्शन 4 में अगर हम बात करते हैं, सेक्शन 4 है नेक्स्ट। सेक्शन 4 में बात करता है कि पास्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिक फ्यूचर एस्टिमेट्स, अगर आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट्स है तो आप अपने पास्ट के जो परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पे डालिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर प्रेजेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। अगर आपके प्रोजेक्शन है तो आप प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग आप डालिए इसमें, फिर आपके एक्चुअल 0 ही रहेंगे। अगर आपका प्रोजेक्शन है, यहाँ पर लिखा है कि पास्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिक फ्यूचर एस्टिमेट एप्लीकेबल फॉर वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस, जो वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको बड़े ध्यान से यहाँ पर वैल्यू डालनी है। उसके अलावा अगर आपकी कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी आपको लगता है तो आपको यहाँ पर वो डालनी है। आप हर पॉइंट, हर फील्ड के नीचे एक स्पेशल नोट दिया गया है, उस स्पेशल नोट का आप ध्यान से रीड कीजिएगा। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ईमेल पे क्लैरिफाई ले सकते हैं किसी भी तरह से। यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स दी है कि आपके ऊपर पर्टिकुलर्स, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कोई अगर आपका डिस्प्यूट्स किसी तरह की टैक्स के रिगार्डिंग, टैक्स में सभी को कवर किया गया है, या फिर कोई अदर पेमेंट है, लाइबिलिटी है, यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स हैं, ये गवर्नमेंट ने कवरेज दिया है जो कंप्लायंस है उनको लेकर। अगर आप इसमें जो भी एक्चुअल डिटेल्स हैं, यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। सभी डिटेल्स पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं, आप कोई भी चीज़ें हाइड मत कीजिएगा वरना आपका लोन कैंसिल हो सकता है। इसमें भी सेव का ऑप्शन है, एंड टू एंड आपको डिटेल सेव करते जाना है। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, फाइल अपलोड्स एंड एनेजर्स, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स दी गई हैं, जो जो चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं आप उसको सेलेक्ट करिए,
और उसके साथ ही फॉर्मेट के साथ यहाँ पर अपलोड कर दीजिए यस और नो के साथ। सबमिटेड करते ही आप यस दबाएंगे, उसके ऊपर अपलोड करने के लिए आपके पास जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे अपलोड का बटन एनेबल हो जाएगा, आपको यहाँ पर चीज़ें सेलेक्ट करके अपलोड करनी है। इसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है चेकलिस्ट का। ये चेकलिस्ट कंप्लीट दी गई है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसको आप यस कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। जो जो आप वहाँ पर अटैच कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, ये केवाईसी है आपका इसी पॉइंट के बेस पे जो आपने अपलोड किया है, और जो आपका ये चेकलिस्ट है इसी के बेस पर ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सिलेक्शन किया जाएगा कि आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए। ये सब कुछ ऑनलाइन वेरीफाई होने वाला है। तो आप जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर सभी चीज़ें अपलोड करने का ऑप्शन ना आए, पर आपके पास इनमें से जो भी मैक्सिमम चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको यस जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप यस करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आपके पास लोन अप्रूवल जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। इनमें से यहाँ पर एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की, प्रोविजनल बैलेंस शीट की, लास्ट 3 के इनकम टैक्स जीएसटी रिटर्न जो भी अप्लीकेबल हैं इस यूनिट्स पे, इनकम टैक्स की, वैट की, जीएसटी की, जो भी ग्रुप कंपनीज है, तो आप इसको यस कीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपका नया यूनिट है तो आप इसको नो कर दीजिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएमए डाटा की यहाँ पर रिक्वायरमेंट बनती है 6 महीने के लिए, वो भी आपको देना है। इसके अलावा जो भी आपके प्लांट एंड मशीन भी है, बिल्डिंग्स हैं, उनकी भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है। उसके अलावा जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सर सारे पॉइंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर दिए गए हैं। जितने ज़्यादा आप इसमें यस करेंगे मीन्स आपके पास ये चीज़ें रेडीमेड होनी चाहिए। अगर इनमें से आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड हो, या कोई क्लैरिफिकेशन हो, या कोई प्रॉब्लम आ रही हो इन डॉक्यूमेंट्स को समझने में, या इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में, या किसी भी तरह से आपको इसका मीन्स नहीं समझ में आ रहा हो कि हमें क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, तो आप मुझे ईमेल करिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी। जब आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे एक बार फिर से, आपको स्टार्टिंग से लेकर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर सेक्शन 1, 2, 3, 4 सभी चेक करने हैं 1 to 1। देखिए एक बार आपकी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर दोबारा से उसको प्रोसेस होने में हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट आए, वो अप्रूव हो या ना हो। इसीलिए आपको एक बार में ही अपनी सारी डिटेल्स करेक्ट सबमिट करनी है, 100% सबमिट करनी है। 1-2% का माइनर डिफरेंस हो सकता है, वो बाद में भी आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करेंगे आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन के साथ डिक्लेरेशन देंगे, प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर, पार्टनर के केस में ऑथराइज पार्टनर, कंपनी के केस में जो भी ऑथराइज डायरेक्टर हैं, और अदर जो भी एंटिटीज़ हैं उनके जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, वो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देंगे। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिए, आप जो भी पर्सन है सिग्नेचर करने वाला, वो सभी चीज़ों को यहाँ पर सर्टिफाई कर रहा है। इनमें से आप कोई भी चीज़ गलत सर्टिफाई मत कीजिएगा। अगर एक भी पॉइंट पे आपको डाउट होता है तो आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो इसको समझने में। पर अगर आपके पास आपको किसी भी पॉइंट में डाउट आता है कि हाँ ये तो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है, या हम इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इसको सर्टिफाई मत कीजिएगा। सर्टिफाई करने के बाद यहाँ पे प्लेस डालकर आपको पूरा का पूरा डाटा वेरीफाई करने के बाद सबमिट, एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक इसका वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन डाटा आपका सीडबी के लोन प्रोसेसिंग सेंटर में चला जाएगा, जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच है। उसके बाद आपको वहाँ से ईमेल या मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट किया जाएगा। फर्दर प्रोसेसिंग जो भी ब्रांच लेवल पर जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस या जो भी उनकी गाइडलाइंस है, उसके बेस पर एलिजिबिलिटी को, क्रेडिबिलिटी को सब कुछ वेरीफाई होने के बाद आपको आपका लोन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के लिए दोनों के लिए कवर किया है। इसी तरह से अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यहाँ पर अगर सेफ प्लस मीन्स आप कोरोना से रिलेटेड कोई भी एसेसरीज आइटम्स की ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके फील्ड्स अलग होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि ट्रेडर्स को सेफ प्लस लोन किस तरह से मिलेगा। इट मीन्स एक ट्रेडर्स है जो कि करोना वायरस से रिलेटेड एसेसरीज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर जो भी उनकी एसेंशियल्स आइटम है जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो, या फिर सॉप्स हो, या फिर लिक्विड्स हैं, जो भी वॉश से रिलेटेड मीन्स क्लीनेटिंग क्लीनिंग वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर अदर आइटम्स हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।